नोएडा प्राधिकरण दफ्तर पर किसानों की महापंचायत। नोएडा प्राधिकरण दफ्तर पर किसानों की महापंचायत हुई है। 105 गांवों के किसानों की महापंचायत बुलाई गई है। हजारों की तादाद में किसान महापंचायत मौजूद रहे। एनटीपीसी के विरोध में भी महापंचायत बुलाई गई है। कई अहम फैसले लेने का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि महापंचायत किसानों की महापंचायत बैठक में कई अहम फैसलों पर भी महापंचायत में राजनीतिक पार्टियों भी मौजूद रहेंगी। नोएडा प्राधिकरण दफ्तर पर किसानों की महापंचायत होगी। 105 गांवों के किसानों की महापंचायत बुलाई गई है। 105 गांवों के महापंचायत बुलाई गई है। हजारों की खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुद को मजबूत करने की ख्वाहिश है, अपने मूल को सींचने की ख्वाहिश है, फूल खिलाने की ख्वाहिश है, कहीं अनिति करने की कोई गुंजाइश नहीं है। परमात्मा साक्षी है, हम यही कहते हैं नोएडा प्राधिकरण से कि भैया जब आपने बोर्ड में हमारे सारे मुद्दे पास कर दिए हैं तो फिर बाकी क्या रह गया। जब 10% का मुद्दा बोर्ड में पास हो चुका है, आबादी के निस्तारण के लिए बोर्ड में 450 से 1000 मीटर बोर्ड में पास हो चुका है, तुम्हारा जो है कॉमर्शियल गतिविधि के लिए बोर्ड में पास हो चुका है, अतिक्रमण के नाम पर 2500 प्लॉट दलालों नेताओं और अधिकारियों के लिए शिफ्ट हो चुके हैं। बड़ी खबर बुलंदशहर से है। रजवाहे में मिला ज्ञात महिला का शव। शव मिलने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। पुलिस ने महिला के शव को रजवाहे से बाहर निकाला है। शव की शिनाख्त का प्रयास पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। कोतवाली देहात के यमुनापुरम की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां एक महिला का शव मिला है। रजवाहे में अज्ञात महिला का शव मिला है, जिसके बाद आसपास के लोगों में सनसनी फैल गई है। शव मिलने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है।